आकांक्षा दुबे का किरदार निभाएंगी ये खूबसूरत एक्ट्रेस। डायरेक्टर ने किया साइन। 5 मॉडल की हुई स्क्रीनिंग, लेकिन इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने ली आकांक्षा दुबे की जगह। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह फिल्म कब रिलीज होगी। जाहिर तौर पर आकांक्षा दुबे दूसरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि अचानक दुनिया से विदा हो जाने के बाद डायरेक्टर के लिए दूसरी आकांक्षा दुबे ढूंढना बेहद मुश्किल काम रहा, क्योंकि आकांक्षा जैसी खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी तरह की कदकाठी किसी एक इंसान में हो ये ज़रूरी नहीं था। खबरों की माने तो डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए 1 या 2 नहीं 5 से ज़्यादा मॉडल को अप्रोच किया, उनके स्क्रीनिंग की, और तब जाकर आकांक्षा दुबे जैसी दिखने वाली एक हीरोइन के नाम पर सहमति बनी। कौन है वो एक्ट्रेस जिसने ली आकांक्षा दुबे की जगह, जिसने निभाया आकांक्षा दुबे का किरदार, जिसने पूरी की आकांक्षा दुबे की कमी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस भोजपुरी फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए बनारस पहुंची अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में मौत हो गई थी, उस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। फिल्म में उनकी जगह दूसरी हीरोइन को लेने के बाद फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं की शूटिंग का काम पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है कि वो अभिनेत्री कौन है जो आकांक्षा दुबे के किरदार में है। उधर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने समर सिंह को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर रखा है और पूछताछ हो रही है। दिवंगत भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भोजपुरी फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं में उनकी जगह प्रीति मौर्य को लिया गया है। फिल्म के लेखक मनोज पांडे के मुताबिक आकांक्षा दुबे की मौत के बाद पूरी फिल्म की यूनिट बनारस में ही रुकी रही और मुंबई में उनकी टीम हीरोइन की तलाश कर रही थी। इस फिल्म के लिए 5 हीरोइनों से बात की गई थी। इसमें से सबसे पहले प्रीति मौर्य की तारीख मिल सकी और उन्हीं को फिल्म में आकांक्षा दुबे की जगह ले लिया गया। भोजपुरी अभिनेत्री प्रीति मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। अब तक वह नकली सिंदूर, शुभ समाचार और दूल्हा 2 जैसी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस फिल्म में प्रीति मौर्य ने अखिलेश वर्मा के साथ काम किया है। बता दें कि भोजपुरी फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं की शूटिंग बनारस में 25 मार्च से शुरू होने वाली थी और फिल्म की पूरी यूनिट एक दिन पहले ही पहुंच गई थी। 26 मार्च से इस फिल्म की शूटिंग में आकांक्षा दुबे शामिल होने वाली थी और इसी दिन सुबह आकांक्षा दुबे के निधन की खबर मिली। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित खलनायक संजय पांडे फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं में हीरो के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद पूरे यूनिट के लोग सदमे में थे। किसी को यह नहीं पता था कि शूटिंग शुरू हो पाएगी कि नहीं, लेकिन फिल्म के निर्माता निर्देशक ने पूरी यूनिट को संभाल कर रखा और फिल्म की हीरोइन की तलाश शुरू कर दी। अब तो फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, लेकिन जब भी उस घटना की याद आती है बहुत दुख होता है, ये बातें संजय पांडे ने कही है। भोजपुरी फिल्म लायक हूं मैं नालायक नहीं का निर्माण रजत द्विवेदी, सत्येंद्र और रत्नाकर मौर्य ने किया है और फिल्म के निर्देशक विकास श्रीवास्तव हैं। विकास श्रीवास्तव ने पहले बातचीत के दौरान बताया था कि फिल्म की शूटिंग बनारस के पास ही एक गांव नाटी इमली में चल रही थी। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।